आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुशील दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर साईं कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो लूपिंग कंसेप्ट होता है उसमें फॉर लूप को वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको फॉर लूप का कंसेप्ट पता है तो आप वाइल लूप को आसानी से कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। हालांकि दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। किसी भी काम को अगर हमें बार बार करना है, कंप्यूटर में हमें रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना होता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करनी हो तो 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बजाय 1 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख करके 10 बार लूप चलाया जा सकता है। तो जब भी हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स के द्वारा कंप्यूटर को समझाना होता है। पहला स्टेटमेंट होता है उस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट होता है उसका एंडिंग पॉइंट, और तीसरा स्टेटमेंट होता है उनके सीरीज के बीच का गैप या टर्म्स के बीच का गैप। यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट, गैप और एंडिंग पॉइंट, ये बोलचाल की भाषा है समझने के लिए। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और टेस्ट कंडीशन कहा जाता है। तो अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना होगा कि 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करे, तो मुझे कंप्यूटर को उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट और उनके टर्म्स के बीच के गैप को बताना होगा। ये कंप्यूटर को ही नहीं, अगर मुझे किसी इंसान को भी बोलना होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक गिनती लिखिए, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा 1, एंडिंग पॉइंट बताना होगा 10 और उनके बीच की गैप बतानी होगी। सेम उसी प्रकार से इन तीनों स्टेटमेंट्स के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ तो फॉर लूप में स्टार्टिंग एंडिंग और गैप जो है बोलचाल की भाषा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियलाइजेशन, हम इसी को यूज़ करेंगे। फॉर लूप में स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप तीनों को एक ही लाइन में इस सीक्वेंस में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से नीचे जो टेक्निकल सिंटेक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखने से कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज को प्रिंट करना है या उसके रिलेटेड कुछ काम करने हैं। तो एक कोड देखते हैं हम, ये कोड जो है सी में लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया गया है, इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 से किया गया, यानी लूप का इनिशियल पॉइंट जो है वो 1 है, एंडिंग पॉइंट है 10 और उनके बीच में 1 का गैप है। अगर सीरीज प्रिंट करे तो, हालांकि ये जो कोड है वो 1 से लेकर 10 तक की गिनती ही प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से इन 3 स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम कंप्यूटर को किसी सीरीज को प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लूप के द्वारा। आगे देखते हैं फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ कंपैरिजन करते हैं। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होगा बोलचाल की भाषा में, कुछ स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप तीनों कंडीशन को इस सीक्वेंस में एक ही लाइन पर दिया जाता है, जबकि वाइल लूप में सीक्वेंस सेम है बट लाइन्स का अंतर है। ये तीनों एक ही लाइन में ना होकर के स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में होता है, उसके बाद कहीं पर एंडिंग होता है, उसके बाद फिर कहीं पर गैप होता है। ये तीनों अलग अलग लाइन पे होते हैं, बट एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो सेम होता है दोनों का, स्टार्टिंग एंडिंग गैप, स्टार्टिंग एंडिंग गैप। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर टेक्निकली बोले तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और वाइल का जो सिंटेक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका है इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसी सेम इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है और ये इंक्रीमेंट जो है +1 का गैप दिया गया है। सेम वैसे ही वाइल लूप में भी यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट है जो यहाँ दिया हुआ है और उनके बीच का गैप यहाँ दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों का जो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। ये फॉर लूप का कोड है जो 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करेगा। अगर इस लूप को मुझे वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ।
ये सेम कॉपी हो गई। अब हमें सिर्फ तीन चेंजेस यहाँ पर करने हैं और ये जो फॉर लूप है वो वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला चेंजेस है ये फॉर मोटा के हमको वाइल लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है फॉर हटा के यहाँ पे वाइल लिख दिया गया है, और स्टार्टिंग को ऊपर ले गया है और गैप को नीचे ले गया है। सिर्फ तीन चेंजेस करना है, फॉर मोटा के वाइल, स्टार्टिंग को ऊपर और गैप को नीचे ले आना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर को यहाँ पर मिटाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाइल, पहले काम हो गया। दूसरा काम जो है हमारा जो स्टार्टिंग है इनिशियलाइजेशन का जो कंडीशन है उसको स्टेटमेंट है उसको ऊपर ले जाना होगा, तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा जो काम है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है उसको नीचे ले आना है, ये तीसरा काम हो गया। अब हमारा जो ये फॉर लूप था वो कन्वर्ट हो चुका है वाइल लूप में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने केवल तीन काम किए हैं। पहला काम किया वाइल, फॉर मिटा के वाइल लिखा। दूसरा काम जो स्टार्टिंग कंडीशन थी या जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट था उसको ऊपर ले गए, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट था उसको नीचे ले आए बॉडी ऑफ द लूप के। तो इस प्रकार से ये दोनों ही लूप का जो आउटपुट है वो 1 से लेकर के 10 तक होगा। ये फॉर लूप में लिखा गया कोड है और ये वाइल लूप में लिखा गया कोड है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।